नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। और आज आपको लेकर आए हैं मोहद्दीनपुर स्थित शांति निकेतन कॉलेज में, और यहां हो रहा है शांति निकेतन मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन। जी हां, ओपन कॉम्पिटिशन था, लेकिन इसके अंदर तस्वीरें क्या चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर लेकर चलते हैं। यूपी के मोहिद्दीनपुर स्थित रुद्रा ग्रुप के शांति निकेतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीएससी गृह विज्ञान विभाग द्वारा चल रहे 3 दिवसीय शांति मास्टर शेफ 2022 प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा प्रतिभागियों से चुनकर आए टॉप 10 प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता हुई और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी मेजों पर डिशेस को सजाया, जिसके बाद मुख्य अतिथि मास्टर शेफ की कंटेस्टेंट अर्चना चौहान के साथ संस्थान के विशेष लोगों और बाहर से आए अतिथियों द्वारा जज की भूमिका निभाते हुए सभी डिशेज को चेक किया गया और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। कंपटीशन के अंदर जितने भी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है, इनकी कला को तो आपने देख लिया, अब ये भी सुन लीजिए कि आखिर इसको आयोजित करवाने वाले और इसको जज करने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है। इन लोगों को यहाँ से सामान दिया जाता है, इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं, उससे बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने रेसिपी बनाई है आज, और सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर रेसिपी बनाई है, जिसमें जजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंस्टीट्यूट ऐसे प्रोग्राम जो बच्चों के हित के लिए करते हैं, बच्चों को इनसे आगे अपने आने वाली लाइफ में बहुत फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी जॉब में चली जाएं, लड़की गर्ल्स कोई भी जॉब करें, लेकिन उनका किचन से नाता तो हर समय रहेगा। किचन वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो जब उन्हें कुछ अपना आएगा बनाना, तभी वो दूसरा मेड है या कोई भी है जो हेल्प के लिए, उसे बता के करवा सकती हैं अपने लिए। मैंने अपनी लाइफ में मतलब इन बच्चों को इस तरह से देखा है कि बच्चे मतलब बहुत कुछ कर लेते हैं, हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं बच्चे, जो हम लोग नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा अच्छा बच्चे करते हैं। इन्होंने आज बहुत मेहनत की है, सभी बच्चे मेरे विनर हैं। इसमें फर्स्ट सेकेंड नंबरों के आधार पर जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं अर्चना मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो अपना कीमती समय निकाल के कॉलेज में आई, और इसमें ये नहीं है कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड, सभी ने अपनी पूरी कोशिश की है। और सभी बच्चों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि अपनी लाइफ खुद चुने, ये नहीं है कि भाई मुझे फर्स्ट मिला है सेकंड, ये सोच के ना देखे। और बस मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, मैं किसी फर्स्ट सेकंड को नहीं कहना चाहूँगी, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज शांति निकेतन के इस प्रांगण को आपने सुशोभित किया है। और अगर मैं इस शांति निकेतन मास्टर शेफ सीजन फर्स्ट की बात करूँ, तो ये हमारे ग्रुप का 7th मास्टर शेफ सीजन है, या सीजन 7 हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज यू आर रनिंग रुद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 2015 से इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी। शांति निकेतन के लिए पहली बार है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो हम यहाँ पर मास्टर शेफ ये करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब बच्चियाँ यहाँ से एक डिग्री कंप्लीट करके जाएँ, तो वो जॉब ढूंढे नहीं, बल्कि वो उस कैपेबिलिटी में हो, उस डेकोरम में हो कि वो 4 लोगों को अपने साथ, 4 बहनों को अपने साथ जोड़ सके, ताकि हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। और लास्ट बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो बेटियाँ हैं, परिवार का बोझ नहीं बने, बल्कि परिवार का गौरव बने। हम फ्यूचर में ये सब प्लान करते रहेंगे। शांति निकेतन ने एक शुरुआत करी है, और अब खाना जो है प्रांत क्षेत्र राज्य से नहीं जुड़ा रह गया है, मुझे लगता है शायद इंटरनेट ब्लेसिंग है इसमें। अब पंजाब में जो हम खाते हैं छोले कुलचे, वो अब यहाँ पे भी बच्चा बनाना सीख रहा है, और वो अब उस सबको यहाँ एक जगह एक छत के नीचे सीख रहा है, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहा है, क्योंकि अब तो बिजनेसेस भी होते हैं। अब हम जैसे छोटे लघु उद्योग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज की फीमेल्स अगर ये भी सीख जाएँ जो उन्हें ऑलरेडी आता है, उसमें और थोड़ा तड़का मार के सीख जाएंगी, तो और अच्छा कुछ अपना काम शुरू कर पाएंगी। तो ऐसा ही नहीं कि केवल जॉब्स के लिए हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, उसके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें वो वैरायटी ऑफ फूड्स यहाँ पे सीख रहे हैं, जो कि केवल इंडिया के अंदर का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का भी वो लोग सीख रहे हैं। कुछ बच्चों के चेहरे जो हैं थोड़े से डाउन हो गए थे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन में नहीं आए, तो बेटा जिंदगी में बस एक ही बात याद रखना कि भाग लेना, ये एक वर्ड होता है, भाग लेना है, मुझे भाग लेना है। और इस भाग लेना के 2 मीनिंग होते हैं, आइदर यू पार्टिसिपेट और यू रन अवे। रन का मतलब भी भागना होता है और
पार्टिसिपेट भी हम हिंदी में ही बोलते हैं कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो हमेशा जो है पार्टिसिपेट वाला भाग करो, रन वाला भाग नहीं करना है कि अरे मुझे इस बार जो है पोजीशन नहीं मिली, मुझे अगली बार इसमें भाग नहीं लेना है, नहीं मुझे भाग लेना है, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, विनिंग लूजिंग दैट ऑल कम्स लेटर ऑन। आपका पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आप पार्टिसिपेट करें। जो आपने बनाया वो इतना फर्स्ट क्लास था कि मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, इतना फर्स्ट क्लास खाना था। हर एक बच्चे ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं ये चाहती हूँ, देखो बेटा आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों के मायूस चेहरे मैंने देखा, आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि आपने अपना 100% दिया था, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा, हमें तो ये भी जज करना था बेस्ट कौन है। अब आप एक पॉजिटिविटी के साथ रहो ना, जो जीते हैं उनको ये बोलो कि अगर हम नहीं हारते तो तुम जीतते कैसे, हम हारे हैं तो तुम जीते हो, तो ये आपके मन में रहना चाहिए, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, वेदर यू विन और यू लूज दैट इज सेकेंडरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर पार्टिसिपेशन। और आपका पार्टिसिपेशन इतना अच्छा था, जब हम इतने सारे जो जजेस हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके कुकिंग को, तो सोचे कि आपने खाना कितना बढ़िया बनाया, जीतना और हारना तो दूसरी बात होती है। हमारे कॉलेज में 3 दिवसीय शांति मास्टर शेफ का 2022 का आयोजन किया गया था, जो पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ चल रहा है, 27 to 29 अप्रैल। पहले दिन हमारे यहाँ 58 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उन्होंने अपने आप अपने तरीके से नई नई डिश बनाई थी, जिसके आधार पर उनका चयन करके उनको दूसरे दिन के लिए फाइनल किया गया था। दूसरे दिन हमारे यहाँ 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उनसे मसालों की पहचान कराई गई थी, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ली गई, और उसी के आधार पर उनको थर्ड राउंड के लिए भेजा गया। थर्ड राउंड में फाइनल डे में हमारे यहाँ 10 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से कि हमारे फर्स्ट पोजिशन पर BSc होम साइंस डिपार्टमेंट की तनु रही हैं, सेकंड पोजीशन पे हमारे यहाँ क्योंकि बाहर के कॉलेजों से भी बच्चे आए थे, तो सेकंड पोजीशन पे हमारे यहाँ सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ से आराधना रही हैं, और थर्ड प्लेस हमारे यहाँ गेन किया है SRS कॉलेज की BA की छात्रा कनिका ने। इन तीनों छात्रों को अलग अलग पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ बाहर से बहुत सारे अतिथिगण आए थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ मिसेज अर्चना चौहान मैम, जो मास्टर शेफ़ की टॉप 10 फाइनलिस्ट रही हैं 2010 में, वो आई हैं, और हमारी रुद्रा ग्रुप की सेक्रेटरी मिसेज अंजलि तोमर, और इसके अलावा बहुत से हमारे आसपास के विभिन्न पब्लिक स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स की प्रिंसिपल ने हमारे यहाँ एज अ गेस्ट आज आकर यहाँ पे सभी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया है। तो जैसा हमने आज हमारा पहला सीज़न था इस बार शांति निकेतन में, इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आगे ये अपने ऐसे इवेंट कराते रहें और सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते रहें, और बच्चे उसमें प्रतिभाग करके नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो शांति निकेतन मास्टर शेफ में अब मेरे साथ मौजूद है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि विनर हैं इससे पूरे कंपटीशन के। तो फर्स्ट है कनिका, दूसरे नंबर पर हैं आराधना, और तीसरे नंबर पर हैं कनिका शर्मा। तो ठीक है, तनु है मेरे साथ, माफ़ कीजिएगा, तनु, आराधना और कनिका शर्मा, ऐसे इनके नाम है। तो तनु सबसे पहले फर्स्ट आई हो, तो क्या लग रहा था कि फर्स्ट आ जाऊँगी, और कितना अच्छा ये कॉम्पिटिशन रहा? ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन रहा, पर मुझे लगता नहीं था कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगी। तो क्या लगा आप जब फर्स्ट आ गए, ट्रॉफी मिली, और कितना अच्छा लगा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म दिया गया? एक बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा मिलते रहना चाहिए? सभी को मिलता रहना चाहिए। देखिए, सभी को मिलते रहना चाहिए, तनु को कहना, तनु फर्स्ट आई है। सेकंड नंबर पर है आराधना, आराधना से बात करेंगे। आराधना, कैसा लगा कॉम्पिटिशन, और क्या वाकई लगा कि जो अंदर की जो कला थी वो बाहर आ गई? सर, इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, और सर लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट को इस तरीके के, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी ऐसे कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए? यस सर, सर सभी को करना चाहिए, इससे एक फीमेल पावर भी निकल के आती है, और सर सबको पता लगता है कि हमारे अंदर हमारी क्या एबिलिटी है जो हम कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड प्राइज मिला है आपको, क्या भरोसा था सेकंड मिल जाएगा? सर भरोसा तो था। देखिए, आराधना को भरोसा था, शायद पहले से वो कुकिंग करती हुई आ रही होंगी। थर्ड मेरे साथ है यहाँ पर कनिका है, कनिका शर्मा। कनिका, क्या वाकई लग रहा था कि थर्ड पोजीशन मिल जाएगी, और कुछ कमी रह गई शायद क्योंकि थर्ड पे पहुँची? नहीं सर, मेरा वो बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ मैं थर्ड पोजीशन पे हो
पहुंच पाऊंगी। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक मिनट के लिए तो मैं इमोशनल हो गई कि हाँ फाइनली मैं थर्ड में आ गई हूँ और फाइनली मैं थर्ड आई हूँ। मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी ये शो को लेके और बहुत अच्छे से इन्जॉय किया मैंने ये सब चीज़ें, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फाइनली थर्ड राउंड मेरा क्लियर हो गया और मैं थर्ड आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है और घर पे सरप्राइज़ देना है सबको। अभी मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, घर पे सरप्राइज़ देना है जाके सबको कि मैं थर्ड आई हूँ। घर पे भी अब कुछ खाना बना के खिलाने वाली है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल, और यही खाना बनाऊंगी अब की बार मैं दोबारा से, जो मैंने यहाँ पे बनाया जिसकी वजह से मैं जीती हूँ आज। ये मेरी रेसिपी थी, खीरे की सब्ज़ी और खीरे का रायता और उसी का सलाद, क्योंकि सारा जो था इसमें खीरे का ही वो था, क्योंकि खीरे से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें 95% पानी होता है और मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ये, इसलिए अब घर पे जाके भी यही रेसिपी ट्राई करनी दोबारा से। तो घर पे भी आज घर वालों को तैयार रहना पड़ेगा कि खीरे की रेसिपी मिलने वाले। तो ये वो तीन मास्टर शेफ है शांति निकेतन में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं। तो ये तस्वीरें थी शांति निकेतन मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। कैमरामैन सोनू के साथ अंशुल त्यागी, मोहद्दीनपुर, यूपी।